कोरोना के कुछ केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और उसके लिए हम ने पूरी चौक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। ये थोड़ा चिंता का विषय है क्योंकि पूरे देश में हम देख रहे हैं, हर राज्य में बहुत धीमी गति से परंतु पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं। केरल तो अभी भी पीक पर है, महाराष्ट्र में भी केस बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी बहुत धीमी गति से बढ़ रहे हैं, पर हमारे लिए चिंता का विषय और इसकी सभी तैयारियां हम करे हुए हैं। जितना हमारा कोरोना की पीक के समय टेस्टिंग होती थी उतनी ही टेस्टिंग है और अब तो हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लगभग 50 लोगों की हम कर रहे हैं। एक पॉजिटिव केस के 50 कॉन्टैक्ट तक हम ट्रेसिंग कर रहे हैं। निश्चित रूप से चिंता का विषय है। वैक्सीनेशन को लेकर भी इसीलिए बहुत तेजी से अभियान चलाया जा रहा है। 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव पर हम फिर से एक बड़ा वैक्सीनेशन महाअभियान चलाने वाले हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी लोग सितंबर तक फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन के कवरेज में आ जाएं। कोरोना के कुछ केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और उसके लिए हम ने पूरी चौक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। ये थोड़ा चिंता का विषय है क्योंकि पूरे देश में हम देख रहे हैं, हर राज्य में बहुत धीमी गति से परंतु पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं। केरल तो अभी भी पीक पर है, महाराष्ट्र में भी केस बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी बहुत धीमी गति से बढ़ रहे हैं, पर हमारे लिए चिंता का विषय और इसकी सभी तैयारियां हम करे हुए हैं। जितना हमारा कोरोना की पीक के समय टेस्टिंग होती थी उतनी ही टेस्टिंग है और अब तो हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लगभग 50 लोगों की हम कर रहे हैं। एक पॉजिटिव केस के 50 कॉन्टैक्ट तक हम ट्रेसिंग कर रहे हैं। निश्चित रूप से चिंता का विषय है। वैक्सीनेशन को लेकर भी इसीलिए बहुत तेजी से अभियान चलाया जा रहा है। 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव पर हम फिर से एक बड़ा वैक्सीनेशन महाअभियान चलाने वाले हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी लोग सितंबर तक फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन के कवरेज में आ जाएं।